Hello everyone, welcome to Insta Classes. In today's session, we are going to discuss one important question on soil mechanics. So let's start with this question. An undisturbed sample of the clay, okay, use kiya ja raha hai, undisturbed sample of clay, 24 mm thick, consolidated 50% in 22 minutes. Okay, so yahan par aapko jo laboratory mein dusting ki gayi hai, jo sample aapne liya hai, wo undisturbed sample liya hai, aur iski jo thickness hai, wo 24 mm ki hai. Okay. क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो 50% है, ठीक है. डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज 50% एंड द टाइम टेकन फॉर दिस कंसोलिडेशन इज इक्वल टू 22 मिनट. 22 मिनट के अंदर ये जो है कंसोलिडेशन 50% से कंप्लीट हो गया है. इसका मतलब जो अल्टीमेट सेटलमेंट है वो 50% तक अचीव हो चुका है, ठीक है. क्वेश्चन के अंदर बोला गया है विद द डबल ड्रेनेज कंडीशन, तो ऊपर से भी ड्रेनेज हो रहा है, पानी निकल रहा है, और नीचे से भी सैंपल से पानी निकल रहा है. द क्ले लेयर फ्रॉम विच द सैंपल वॉज ऑब्टेन्ड इज 5 मीटर थिक, ठीक है. तो बेसिकली अगर बात करें, ये तो आपने लेबोरेटरी का टेस्टिंग किया है, ठीक है. अगर आप साइट की बात करें तो साइट पर बेसिकली जो आपके पास में क्ले लेयर है वो आपको बोला गया है दिस इज 5 मीटर थिक, ठीक है. दिस इज 5 मीटर थिक इन द फील्ड. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंसोलिडेट 50% विद द डबल ड्रेनेज, तो यहां पर भी कंडीशन डबल ड्रेनेज की है. पानी नीचे से भी निकल रहा है, ऊपर से भी निकल रहा है, और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% आपको यहां पर दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि टाइम बताओ कि कितने टाइम में फील्ड में 5 मीटर की डेप्थ के लिए कंसोलिडेशन आपका 50% अचीव हो जाएगा, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान दें जरा कि टाइम फैक्टर टीवी जो होता है वो पाई बाई 4 u² होता है, ठीक है. वेयर यू इज व्हाट द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, और यू को आप जो है आप फ्रैक्शन में रखते हैं, और इस जगह पर आपके पास में जो यू दिया गया है वो 50% जब पुट करते हैं तो 0.5 पुट किया जाता है, ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट द टाइम फैक्टर टीवी इज गिवन बाय सीवी इनटू टी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ठीक है. तो इक्वेशन जो आपके पास में लगती है टाइम फैक्टर की वो है टीवी इज इक्वल टू पाई बाई 4 u² इज इक्वल टू सीवी इनटू टी डिवाइड बाय डी स्क्वायर, वेयर सीवी इज व्हाट द कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कॉफिशियंट है, और टी जो है वो आपका टाइम है जो कि यहाँ पर 22 मिनट दिया गया है, और स्मॉल डी का मतलब होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि कोई फ्लूड पार्टिकल लेगा टू गो आउट, ठीक है. तो मिड लेयर पर अगर बात करें, मिड डेप्थ पर जो पार्टिकल बैठा हुआ है यहाँ पर, फ्लूड पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल जो बैठा हुआ है, या तो वो ऊपर से निकलेगा या नीचे से निकलेगा, दोनों ही सूरत में जो डी की वैल्यू आपको मिल रही है वो इस डेप्थ का आधा होगा, यानी कि 24/2 होगा, ठीक है. जब यहां पर आप बात करोगे तो आपके पास में फिर से जो डी की वैल्यू है स्मॉल डी, दिस विल बी टेकन एज 5 मीटर, यानी कि 5000 mm डिवाइडेड बाय 2 यूज किया जाएगा. तो ध्यान दे, दोनों ही केसेस में यू की जो वैल्यू है वो 50% है, इसका मतलब टीवी आपका सेम रहेगा, और कॉफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन ये सोइल की प्रॉपर्टी है तो ये भी सेम रहेगी. तो इक्वेशन आप लगा देंगे, लेट्स इक्वेट द टाइम फैक्टर बिकॉज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन गिवन इज सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है. तो सी वी मल्टीप्लाइड बाई टी वन दिस इज डिवाइडेड बाई डी वन स्क्वायर इज इक्वल टू सी वी टाइम्स ऑफ टी टू डिवाइडेड बाई डी टू स्क्वायर. सोइल सेम है, इस वजह से कॉफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन आपका यहाँ पर सेम रखा गया. टाइम फैक्टर को आपने इक्वेट किया क्योंकि टाइम फैक्टर यू पर डिपेंड करता है और यू दोनों केसेस के अंदर सेम है, ठीक है. तो टी वन क्वेश्चन के अंदर 22 मिनट गिवन था, दिस इज इक्वल टू 22 मिनट. डी वन जो है वो आपका 24/2 है, तो 24/2 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टाइम टी टू डिवाइडेड बाई दिस इज 5000/2 का स्क्वायर. तो यहां से अगर आप सॉल्व करें तो आपको टाइम मिल जाएगा, द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन एट द फील्ड दिस इज कमिंग आउट टू बी 954861.11 मिनट. तो इतने टाइम के अंदर जो है कंसोलिडेशन फील्ड पर हो जाएगा 5 मीटर की लेयर के लिए 50% कंसोलिडेशन, और टाइम की अगर यूनिट चेंज करें तो आपको मिल जाएगा 663 डेज, ठीक है. 663.098 डेज, और डेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने डिवाइड बाय 60 किया, आवर्स में आया, डिवाइड बाय 24 किया, तो नंबर ऑफ डेज आपके पास में हो जाएंगे इतने. अगर इसको डिवाइड कर दें 365 से तो ये रिजल्ट फिर आपका ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ईयर्स में टाइम यहाँ पर आ रहा है दिस इज 1.82 ईयर्स, ठीक है. तो 50% कंसोलिडेशन उस क्ले का फील्ड पर होने में इतना साल जो है लग जाएगा, 1.82 ईयर्स लगेंगे, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि क्ले का कंसोलिडेशन जब होता है दिस इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस और टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होती है कंसोलिडेशन के अंदर, हम ये सारी बातें करते हैं, ठीक है. तो आंसर इस क्वेश्चन का आप दे सकते हैं 1.82 ईयर्स विल बी टेकन टू अचीव 50% कंसोलिडेशन एट द साइट, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.